देखिए, द्विक जालक किसको बोला जाता है? द्विक जालक स्पेस लैटिस को बोलते हैं, किसी क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाई यानी कि जिससे मिलकर के ये ठोस बना हुआ है, उसमें अणु परमाणु अथवा आयन हो, तो उसके किसी एक खंड को निकाल करके उसकी त्रिविमीय संरचना खींच लीजिए, उसी को बोला जाता है स्पेस लैटिस या द्विक जालक। और इसको क्रिस्टल में बिंदु बिंदु के द्वारा दिखाते हैं, जिसको कि बोला जाता है लैटिस पॉइंट। इसके बाद यूनिट सेल है, इकाई सेल, एकक कोष्ठिका भी बोला जाता है। इसका डिफिनेशन पिछले साल पूछा था बोर्ड एग्जामिनेशन में। यूनिट सेल किसी क्रिस्टल के रिपीटिंग यूनिट को, यानी कि किसी क्रिस्टल में ऐसी छोटी छोटी इकाई हैं जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसी को बोला जाता है यूनिट सेल। तो किसी क्रिस्टल के रिपीटिंग यूनिट को, रिपीटिंग यूनिट यानी कि पुनरावृत्ति इकाई को ही बोला जाता है एकक सेल, या एकक सेल बोला जाएगा, या यूनिट सेल बोला जाएगा, या एकक कोष्ठिका बोला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त ब्रेविस थे, उन्होंने इकाई सेल का पैरामीटर तय किया। पैरामीटर यानी कि इकाई सेल के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उनके मध्य पाए जाने वाले कोणों के आधार पर कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल निकाय की परिकल्पना की थी। इसको अल्फा कह दिया गया, इसको बीटा कह दिया गया और ये गामा था। इसको ए से डिनोट कर दिया गया, इसको बी से डिनोट कर दिया गया, इसको सी, ऊंचाई को सी से डिनोट कर दिया गया। इसके मध्य पाए जाने वाले संबंध के आधार पर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो या अलग अलग हो, कोण कैसा होगा, उसके आधार पर अगस्त ब्रेविस एक वैज्ञानिक, अगस्त ब्रेविस थे, उन्होंने कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल निकाय की परिकल्पना की थी। उसमें से 7 क्रिस्टल निकाय प्रमुख है। इसमें कौन कौन सा है? एक इसमें क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, और एक होगा हेक्सागोन। इसमें कभी कभी पूछा है कि इसमें ये तो सिस्टम हो गया, निकाय हो गया, इसके कोर और कोण के मध्य संबंध, कोर यानी कि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कोण के मध्य किस संबंध की व्याख्या करने के लिए कभी पूछा है कि क्यूबिक निम्न में से कौन सा कोर जो होगा वो क्यूबिक को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें जो क्यूबिक होगा उसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगा, अल्फा, बीटा, गामा जो होगा दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर इसमें ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है। फिर इसमें नीचे का दोनों ऐसे ही होगा, ए बराबर बी बराबर सी, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और तीनों बीच वाला जो है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों का बीच में कोण पे जब आप जाओगे तो शुरू का 3 है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, शुरू का 3। फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक की अगर बात किया जाएगा, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू बीटा, यानी कि बीटा जो होगा वो बराबर 90 डिग्री के नहीं होगा। फिर ट्राइक्लिनिक की अगर बात करेंगे तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर लास्ट वाला जो है इसमें अल्फा और बीटा जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर और गामा जो होता है 120 डिग्री के बराबर, ऐसे होता है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर जो 7 प्रकार का क्रिस्टल निकाय है उसमें जो क्यूबिक होता है वो मेन होता है, क्यूबिक
क्यूबिक जो है वो मुख्यतया तीन प्रकार का है। क्यूबिक घनीय क्रिस्टल निकाय मुख्यतया तीन प्रकार का है। कौन कौन सा है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्यूबिक तीन प्रकार का, अगर आप व्हाट्सएप पे हो ग्रुप पे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया है इसका वीडियो खींच करके, उस पर इसका फोटो खींच करके भेजा गया है। एक होता है, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा, एक होता है सरल घन एकक सेल, सरल घन एकक सेल, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। एक होगा काय केंद्रित घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल, इसको बोला जाएगा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एक होगा फलक केंद्रित घन एकक सेल, इसको बोला जाएगा FCC, फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल FCC होगा। ये किसको बोला जाएगा SCC, किसको बोला जाएगा BCC, किसको बोला जाएगा FCC? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखो किसको बोलेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो घटक कण है, यानी कि जिससे मिलकर के ठोस आपका बना हुआ है अणु परमाणु अथवा आयन से, उसमें घटक कण जो होगा केवल उसके 8 कोनों पर व्यवस्थित होगा। और घटक कणों को संरचना को समझने के लिए गोलाकार दिखाया जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण इसके 8 कोनों पर व्यवस्थित होगा। बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल में BCC, इसमें बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें घटक कण 8 कोनों के अलावा एक एकदम सेंटर में होगा। देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 8 कोना हो गया और एक एकदम ठीक बीच में हम दिखा रहे हैं। देखिए, इसको रेड पेन से दिखा दे रहे हैं, आपको अंतर पता चलेगा। ये 8 कोनों के अलावा एकदम एक सेंटर में होगा। और फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोला जाएगा? फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसे आप यूनिट सेल बनाओ, यूनिट सेल जिसकी पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा, ऐसे हो गया। इसके कार्नर पर 8 होगा घटक कण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप अलग अलग तरह का पेन लिए रहेंगे तो आपका क्लियर दिखेगा एकदम। इसके फेस सेंटर्ड तो इसके 6 फलक पर, फलक कौन कौन सा? आप किसी कमरे में अगर बैठे हो तो ऊपर जो छत है एक फलक हो गया, नीचे का जो सरफेस है दूसरा हो गया, आपके बाएं तरफ तीसरा, दाहिने तरफ चौथा, सामने ये वाला फलक, ये वाला फलक है, अंदर वाला फलक है 5वां, और एक पीछे वाला ठीक आपके पीठ की तरफ है 6ठा फलक। 6 फलक होता है। तो इसमें क्यूबिक क्रिस्टल निकाय प्रमुख है। एक सरल घन एकक सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल, और फलक केंद्रित घन एकक सेल फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों कि किसी यूनिट सेल के निर्माण में कितने घटक कण होते हैं, उसके लिए आप देखो कि पार्टिसिपेशन कितना कितना होता है। एकक सेल में घटक कणों की संख्या की गणना कैसे किया जाएगा? एकक सेल में देखिए, एकक सेल में घटक कण कितने कितने होते हैं, तो इसमें निकाय हम कर दें, निकाय यानी कि SCC है कि BCC है कि FCC है, केंद्र पर कितने घटक कण हैं, कोना पर कितना घटक कण है, और फलक पर कितना है घटक कण, और कुल कितने होंगे। एक बात जानो आप कि कितना कितना पार्टिसिपेशन होता है, कितना कितना पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि यदि घटक कण यदि क्या हो कि घटक कण यदि कोने पर है, एक बात इसको जानते रहिएगा, अगर कोने पर रहेगा तो उसका 1/8 हिस्सा उस यूनिट सेल का होता है, यानी कि वो 8 निकटवर्ती यूनिट सेल के निर्माण में भाग लेता है। यदि केंद्र पर है तो पूरा पूरा उसी यूनिट सेल का, यदि फलक पर है तो 1/2 हिस्सा उस यूनिट सेल का, यदि कोर पर है, कोर किसको बोला जाएगा? कोर देखो हम बता दे रहे हैं आपको, ऐसे यूनिट सेल है इसमें ये कोना है, 8 कोने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, केंद्र एक होगा, केंद्र है
फलक छः होंगे, कोना की संख्या आठ है, केंद्र की संख्या एक है, फलक की संख्या, ये फलक है, फलक कितने होंगे, एक दो तीन चार, एक पीछे एक आगे, छः फलक होंगे। और कोर कितना होगा, कोर इसको बोला जाता है, एक दो तीन चार, ऐसे नीचे चार है, एक दो तीन चार, आठ नौ दस ग्यारह बारह, जो कोर होता है, कोर जो होगा वो बारह की संख्या में होगा। तो इसमें कोर कोई आएगा नहीं आपका क्यूबिक वाले में। निकाय यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एस सी सी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, केंद्र में एक भी नहीं है, कोने पर आठ है, तो आठ है तो उसका कितना एक यूनिट सेल के निर्माण में भाग लेता है, तो आठ गुणे एक बटा में आठ बराबर एक। फलक पर एक भी नहीं है, कुल घटक कर्ण की संख्या जो होगी वो एक हो जाएगी। फिर आप देखोगे बीसीसी में, बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी, तो केंद्र पर एक होता है, फिर कोने पर आठ, सब में होगा आठ गुणे एक बटा में आठ बराबर एक। आप पीछे अगर देखेंगे तो देखेंगे तो बताया गया है कोने पर सब में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आठ कोने पर रहेगा, बॉडी सेंट्रोइड में आठ कोनों के अलावा एक सेंटर में, फेस सेंट्रोइड में आठ कोनों के अलावा छः फलक पर व्यवस्थित होगा। इसमें आप देखोगे तो फलक बॉडी सेंट्रोइड में फलक पर एक भी नहीं, कुल मिला मिला जुला करके केंद्र पर एक, कोना पर एक, कुल मिला के घटक कर्ण की संख्या दो। फिर आप एफ सी सी फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल देखो, फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल में केंद्र पर एक भी नहीं होता है, कोने पर आठ गुणे एक बटा में आठ बराबर एक। फलक पर क्या होगा, फलक पर छः फलक है, और जो फलक पर होता है उसका एक बटा दो हिस्सा उस यूनिट सेल का होता है, कोर का एक बटा चार होता है, तो छः गुणे एक बटा में दो बराबर तीन, कितना हो गया तीन एक चार, घटक कण की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आप डेंसिटी वगैरह निकालोगे उसमें भी आएगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण की संख्या एक, बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण की संख्या दो, और फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण की संख्या चार होगी। इसमें देखो अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपसे पूछ दे कि यदि किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर, एक क्वेश्चन इस पे अगर दे दे, यदि यौगिक की इकाई सेल के, यदि यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर धनायन ए पॉजिटिव तथा अंतः केंद्र पर बी निगेटिव उपस्थित हो तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा, तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे रहा है, आप क्या करोगे, आप इसके लिए पहले इसका फिगर ड्रा करो। यदि यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर ए पॉजिटिव, पहले इकाई सेल आप बना लो, इकाई सेल आप बनाइए, ऐसे इकाई सेल बन गया, यौगिक के सभी कोनों पर ए पॉजिटिव है, सभी कोनों पर है, अंतः केंद्र पर बी निगेटिव है। तो इसमें इसका पूछा है कि सूत्र क्या होगा, तो ए आठ कोनों पर उपस्थित होगा, तो ए पॉजिटिव की संख्या आठ गुणे एक बटा में आठ बराबर एक, और बी अंतः केंद्र पर है, बी निगेटिव की संख्या एक केवल सेंटर में है तो केंद्र पर है तो केवल वही होगा, एक ही होगा, तो एक गुणे एक बराबर एक, यानी कि इस यौगिक में ए पॉजिटिव एक है, बी निगेटिव एक है, तो सूत्र जो होगा, सूत्र आपका ए पॉजिटिव बी निगेटिव बराबर ए बी होगा।